नहीं नहीं अभी सो लो, बच्चे के बाद तो सोगी नहीं. हाँ ये ये हाँ ये आई सो लेकिन लेकिन सो लो बस जितना सो रहा है. लेकिन वलिया एक और चीज, बहुत सारी लड़कियां जो कि सी सेक्शन करवाती हैं उनके घर में वो डॉक्टर्स करवाते हैं, समझती है हमारा मूड नहीं होता. वो कुछ लोग मैंने देखा है कि कुछ लोग, और मैं हर लड़की से कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप प्रिपेयर करके जाएं कि आपने अपनी नॉर्मल डिलीवरी करवानी है, अपने सी सेक्शन करवाना है. एट टाइम्स जी आपको, आप इतनी अपना जो नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में आप इतना टाइम गवा देते हैं कि उसके बाद जब आपको सी सेक्शन लेके जाते हैं तब ना आपकी हालत बेहतर होती है ना बच्चे की हालत बेहतर होती है. सो आई हैव गॉन थ्रू इट. सो मैं तो हर लड़की को कहती हूँ कि प्लीज दिमाग बना के जाएं कि हाँ मैंने सी सेक्शन करवाना है या मैंने नॉर्मल डिलीवरी करानी, बच्चे की सेहत जरा और कुछ इंपॉर्टेंट है, और आपकी भी तभी सही रहती है. जो लोग सी सेक्शन से जो गुजरती हैं उनके घर में ना दूसरे हम देखते हैं कि जो इंडियन जो हैं वो वॉशरूम्स होते हैं, उनके यहाँ जैसे कमोड नहीं होते. वो कितना ज़रूरी है कि उसके लिए कुछ ना कुछ किया जाए. बहुत ज़रूरी है. अब अगर घर में इस तरह के सिचुएशन है, आपको ये देखना है कि हाउ कैन आई मेक दिस पर्सन कम्फर्टेबल. ये फैमिली में एक बेबी लेके आ रही है, खुद सोचें वो उसका जिसम किस चीज़ से गुजरा होगा. राइट. सो वो वही एम्पथी, पहले आप लोग बात कर रहे थे एम्पथी होती है, सिंपथी होती है, थोड़ा कंपैशन होता है. तो लोग अगर इस तरह से सोच लें कि अगर मेरे ऊपर ये गुजर रही होती तो मैं क्या चाहती या मैं क्या चाहता, तो बहुत ज़रूरी है इस तरह की अकोमोडेशन हो. अब अगर पूरा बाथरूम आप नहीं दोबारा से बनवा सकते तो पोर्टेबल सीट्स भी आती हैं, जो आप चेयर्स आती हैं अब तो जब व्हेन देयर इज अ वेल देयर इज अ वे. लेकिन ऑप्शंस बहुत सारे, बस वही है कि माँ के लिए वो ऑप्शंस हों, अवेलेबल हों, अवेयरनेस हो इसके बारे में. क्या सी सेक्शन वाली माँ को नॉर्मल डिलीवरी वाली माँ से थोड़ी सी ज्यादा केयर की जरूरत होती है? आई वुड से दोनों इवेंट्स अपनी तरह से ट्रॉमेटिक हो सकते हैं. दोनों तरफ बॉडी एक मेजर कंपैरिजन खत्म कर दे. हमने तो नॉर्मल किया था, तुमने तो सी सेक्शन में पता क्या चलता है? प्लीज क्या कुछ टूट गया अंदर, क्या कुछ गड़बड़ हो गई. ये कंपैरिजन पता नहीं क्यों खत्म होता. स्किन की 7 लेयर्स हैं जो कटती हैं, जो वापस नहीं आते. बहुत हाँ वो स्टिचेस, और उसके बाद आप जरूरी नहीं आप उनको फील कर सके, बहुत अरसे तक, साल लग जाते हैं. बिल्कुल. अनदर प्रॉब्लम इज के इफ समवन गोस थ्रू अ मिसकैरेज उसको बहुत डिस्काउंट किया जाता है. एज यू मेंशन बिफोर, 1 मिसकैरेज कैन बी इक्वल टू 3 प्रेगनेंसी और 3 डिलीवरी. ये सच है ना? बिल्कुल. तो मतलब आप, क्योंकि आपका जिस्म उस प्रॉपर प्रोसेस से नहीं गुजरा जो नॉर्मली प्रेगनेंसी के थ्रू, तो और ज्यादा खुराक की कमियां हो सकती हैं. तो मुझे सिर्फ एक सवाल करना था और ये मेरा पर्सनल सवाल है कि मतलब अब जैसे मैं सोचती हूँ कि आई शुड मेक अनदर चाइल्ड, बट आई फ्रीक आउट कि कहीं वो दोबारा मेरी पोस्टपार्टम वापस ना आ जाए. इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑब्वियसली अगर पहले हो चुका है पोस्टपार्टम डिप्रेशन तो उसकी रिस्क आगे वाली प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है. लेकिन अगर आप थेरेपी करते रहें, साथ में आपके पास सपोर्ट हो और आपको आगे ऑप्शन दिख रहे हो, एंड ओनली गो फॉर अनदर प्रेगनेंसी जब आप बिल्कुल श्योर हो कि आप मेंटली फिजिकली रेडी हैं. डर बैठ गया. मैं सोचती हूँ कि नाइल नीड्स अनदर चाइल्ड, अनदर सिबलिंग, यू नो. बट मैं अपनी कंडीशन का सोचती हूँ ना, तो आई बैक ऑफ कि नहीं, आई कांट डील विद इट. आई कैन नॉट डील विद अनदर बैड पोस्टपार्टम फॉर लाइक मेबी 2 years. दोबारा करोगे तो फिर मैं क्या करूँगी? टेक योर टाइम एंड गो फॉर इट जब आप ट्रूली खुद से रेडी फील करें, खुद से ये वाले ख्यालात ना आ रहे हो. बट इट डज कम बैक, राइट? रिस्क बढ़ सकती है बिल्कुल अगर पहले हो चुका है आपको. लेकिन अगर सही दवाइयाँ या थेरेपी आपकी ऑन गोइंग है, आपके पास सपोर्ट है, लाइफ के सर्कमस्टांसेस भी आपके डिफरेंट होंगे, एक दफा आप ऑलरेडी उससे गुजर चुकी हैं, सेकंड टाइम राउंड आप ज्यादा अवेयर होंगी, तो इट कैन गेट इजियर एज वेल. एज का भी से कुछ लेना देना है कि अगर आपकी अर्ली एज में शादी हो जाती है और आप कम उम्र में आप बच्चा जन्म देती हैं, उस वक्त का पोस्टपार्टम डिप्रेशन और एक अच्छी एज में, या फिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन किसी भी एज में आपको हिट कर सकता हो? तो किसी भी एज में सकते हैं, लेकिन रिस्क ज्यादा तब होती है कि आपकी 20 साल की उम्र से पहले आपकी प्रेगनेंसी हुई हो, अगेन मेंटली फिजिकली आप रेडी नहीं होते इस की चीज के लिए. फिर ऑल्सो लेटर जो जिनको हम कहते हैं जेरियाट्रिक प्रेगनेंसीज, 40 to 45 years, उसमें भी बॉडी का एक अलग हार्मोनल वो चल रहा होता है. तो यस, एज से बिल्कुल फर्क पड़ता है. रिस्क पे होने को तो 10 में से 9 में से एक मदर को हो सकता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन. और क्विकली बस आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, फूड हेल्प करता है?
फॉर श्योर न्यूट्रिशन बहुत हेल्प करती है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत हेल्प करती है. जरूरी नहीं कि आप पार्क में जाके भागें, लेकिन आप लाइट वॉक कर लें, थोड़ा सा योगा कर लें, स्ट्रेचिंग कर लें, वही बहुत है. स्ट्रेचिंग देखते हो हॉस्पिटल में सिजेरियन के बाद दूसरे दिन ही डॉक्टर खड़ा कर देती है. हमारे माओ का और बाकियों का तो बस्तर है, तो वो तो 6 महीने उठना ना दे बस्तर. हाँ, मतलब जैसे हम लोग होते ना, कोई ऑपरेशन होता है कुछ भी है. सो फिजिकल एंड फूड तो बहुत ज़रूरी है. देखिए भाई, हर चीज में बैलेंस रखना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है. कहीं से आपको ट्रॉफी नहीं मिलनी होती. ये मैंने देखा. हाँ, कि कोई ट्रॉफी नहीं मिलनी होती कि जी आपने सी सेक्शन देने के बाद आपने उड़ के दिखा दिया. नहीं, आप अपनी हड्डियों पे अपने ऊपर रहम खाएं, ठीक है. और आपके आसपास के लोगों को भी चाहिए कि वो जो माँ बनी ना अभी, उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं. उसके लिए शायद प्रायोरिटी में अपना ना हो, पर आपके लिए होना चाहिए. मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ. जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि क्या कुछ चीजें घर में बनाई जा सकती हैं जो आप जरूर करें, मस्ट करें, एज अ गिफ्ट उस न्यू मॉम के लिए करें. बहुत शुक्रिया आपका सना, बहुत शुक्रिया उस आपका. थैंक यू सो मच बलिया. ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात हो जाती है, हमारे साथ रहिए. जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और आज हम बात कर रहे हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के हवाले से. पहले ज़माने में जो बड़े बुजुर्ग होते थे और जो फैमिली सिस्टम होता था ना, वो बड़ा स्ट्रांग होता था. लड़की को बाकायदा रेस्ट करवाया जाता था और कहा जाता था 40 दिन तो उसने बिल्कुल रेस्ट करना है. उसकी मालिशें करवाई जा रही हैं, उसका ख्याल किया जा रहा है, उसको यखनी पिलाई जा रही है, तमाम तरह से ग़ज़ाएँ उसको देने की कोशिश कर रहे थे कि वो जल्द अज़ जल्द जो है ना वो अच्छी चंगी भली हो जाए. क्योंकि उसने सिर्फ अपना ख्याल नहीं रखना, उसने अपने साथ जो जुड़ी अब जिंदगी उसका भी ख्याल रखना है. तो पहले क्या कुछ किया जाता था, और अगर हम तिब की जिंदगी में देखें, लाइफ में देखें, तो उसमें पोस्टमार्टम से डील कैसे किया जाता है, ये जानेंगे. बिल्कीस आप हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम आपा. वालेकुम अस्सलाम. कैसी आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक. अच्छा, मैं बिल्कीस आपसे जरूर जानूंगी कि हम होम्योपैथी की अगर लाइफ में देखें तो किस तरीके से हम इस डिप्रेशन को डील करते हैं जिसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं. लेकिन उससे पहले आप खुद भी एक माँ हैं, और जब आपकी जब सारा हुई थी तो एक जब औरत माँ बनती तो एक टाइम उसके लिए बड़ा खास भी होता है, और उसके उसकी माँ की याद माँ के हाँ एग्जिस्टेंस होना बहुत जरूरी है. एंड योर मदर वॉज नॉट देयर. आपके लिए वो टाइम कैसा था? बहुत मुश्किल था. और आप यकीन करें, सारा के पैदा होने के बाद माँ की याद तो अहमियत ज़्यादा जो है ना पता चली कि एक बच्चे को जन्म देना, पैदा करना कितना मुश्किल काम है. और उस वक्त आपका सहारा जो है ना, खातून का सहारा उसकी माँ ही अच्छी हो सकती, बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है. मेरी तो थी नहीं, तो उनकी कमी तो बहुत महसूस हुई थी, बहुत ज़्यादा महसूस हुई थी. क्योंकि जब माँ होती है, देखिए एनवायरनमेंट में हर जगह मैं देखती हूँ, मैं एज ए डॉक्टर भी मैं देखती हूँ, नेचुरोपैथ भी मेरे क्लिनिक में भी आते हैं, तो माएँ ज़्यादा कंसर्न होती है. वो इतनी डरी हुई होती है अपने बच्चों की. बिल्कुल. हाँ. डिलीवरी से पहले ही सारी चीज़ें कर रही होती है, ये ना हो, यूँ ना हो, गुजर चुकी होती है, गुजर चुकी होती है, हर चीज़ का बारीक बारीकी से पूछती हैं कि ऐसा हो तो क्या करना चाहिए, ऐसा हो तो क्या करना चाहिए. और जाहिर सी बात है, जब सारा मेरी गोद में आई तो मुझे मेरी मम्मा की याद लिटरली बहुत आई. और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो, मेरे गिर्द हैं वो. मुझे मैं यकीन करें, सारा की खुशी में मेरे आंखों में आंसू नहीं थे, मम्मा के नहीं होने, अपनी माँ के नहीं होने के आंसू मेरे आंखों में ज़्यादा थे.